मैं इस वक्त SSP मलिर के ऑफिस में मौजूद हूँ। इन्होंने मेरी अपोजिशन लीडर के तौर पे मुझे सिक्योरिटी मिली हुई थी पुलिस से, इन्होंने एक हफ्ते पहले विड्रॉ की थी, जिसके बाद मैं अपने 5 या 6 असला लाइसेंस याफ्ता गनमैन्स के साथ मुझे चलाने थे। लाजिम बात है मेरी प्रोटेक्शन थी। इन्होंने, मैंने बताया था कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं मुर्तजा भुट्टो की तरह। तो आज इन्होंने पहले हमारी खातून MPO को वहाँ तशद्दुद किया पुलिस की मौजूदगी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर मसरूर पर तशद्दुद किया पुलिस की मौजूदगी में, दुआ भुट्टो और डॉक्टर मसरूर। और उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ इन्होंने पहले कहा हमारा वोट है, नहीं आ सकते। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की। अगर मेरे प्राइवेट गनमैन हवाई फायर जवाब में ना करते तो ये मुझे आज कत्ल कर देते मुर्तजा भुट्टो की तरह। इस वक्त मैं 1:30 बजे से इसी उसमें हूँ। इस वक्त मुझे पता चला है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है गिरफ्तार कर लें, लेकिन दूसरी जानेब सिचुएशन ये है कि पूरे हल्के से रूरल के एरिए से वहाँ हमारे पोलिंग एजेंट्स पुलिस की मदद से बाहर निकाल दिए गए हैं, और ये हमारा इलेक्शन छीनने के लिए, PS-88 का इलेक्शन छीनने के लिए पुलिस की मशीनरी को, सिंध हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्राइवेट गनमैन, मेरा राइट था अपनी सिक्योरिटी रखना, मेरा राइट था, और उसके बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को आज़ाद छोड़ा हुआ है और बदमाशी कर रहे हैं हमारी खवातीन से बदतमीजी की, और इस वक्त ज़बरदस्ती खींच के हमारे पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दिए गए हैं और वहाँ ठप्पे लगाए जा रहे हैं।